जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। कार्तिक महात्म का पांचवा अध्याय। भगवान श्री विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए कार्तिक माह में पूजा आराधना करें और साथ में कार्तिक महात्म अवश्य सुने। तो पांचवे अध्याय में राजा पृथु ने कहा, मुनि आपके कार्तिक मास के स्नान का महान फल बतलाया, अब उनमें किए जाने वाले स्नान की विधि और नियमों का भी वर्णन कीजिए, साथ ही उनकी उद्यापन विधि को भी ठीक ठीक बताइए। नारद जी बोले, राजन तुम भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हो, तुम्हारे लिए कोई बात अज्ञात नहीं है, तथापि तुम पूछते हो, इसलिए मैं कार्तिक के परम उत्तम महात्म्य का वर्णन करता हूँ। सुनो, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है, उसी दिन आलस्य छोड़कर कार्तिक के उत्तम व्रतों का नियम ग्रहण करें। व्रत करने वाला पुरुष पहर भर रात बाकी रहे तभी उठे और जल सहित लोटा लेकर गाँव से बाहर नेत्रे कोण की ओर जाए। दिन और संध्या के समय उत्तर दिशा की ओर मुंह करके तथा रात हो तो दक्षिण की ओर मुंह करके मलमूत्र का त्याग करें। पहले जनेऊ को दाहिने कान पर चढ़ा लें और भूमि को तिनके से ढककर अपने मस्तक को वस्त्र से आच्छादित कर लें। शौच के समय मुख को यत्नपूर्वक मूंदे रखें, ना तो थूके और ना मुंह से ऊपर को सांस ही खींचे। मल त्याग के पश्चात गुदा भाग तथा हाथ को इस प्रकार धोए जिससे मल का लेप और दुर्गंध दूर हो जाए। इस कार्य में आलस्य नहीं करना चाहिए। 5 बार गुदा में, 10 बार बाएं हाथ में तथा 7-7 बार दोनों हाथों में मिट्टी लगाकर धोएं। फिर 1 बार 3 बार बाएं हाथ में और 2-2 बार दोनों हाथों में मिट्टी लगाकर धोएं। यह गृहस्थ के लिए शौच की विधि बताई गई है। ब्रह्मचारी के लिए इससे दूना, वानप्रस्थ के लिए तिगुना और सन्यासी के लिए चौगुना करने का विधान है। रात को दिन की अपेक्षा आधे शौच मिट्टी लगाकर धोने का नियम है। रास्ता चलने वाले व्यक्ति के लिए उससे भी आधे शौच का विधान है। शौच कर्म से हीन पुरुष की समस्त क्रियाएं निष्फल होती हैं। जो अपने मुंह को अच्छी तरह साफ नहीं रखता, उसके उच्चारण किए हुए मंत्र फलदायक नहीं होते। इसीलिए प्रयत्नपूर्वक दांत और जीभ की शुद्धि करनी चाहिए। गृहस्थ पुरुष किसी दूध वाले वृक्ष की 12 अंगुल की लकड़ी लेकर दातुन करे। दातुन करने के पहले वनस्पति देवता से इस प्रकार प्रार्थना करें, आयु बलम यशो व्रज प्रजा वशुवसिनी च ब्रह्मा प्रज्ञा च मैधम च तव नो देहि वनस्पते। हे वनस्पति, आप मुझे आयु बल यश तेज संतति पशु धन ब्रह्म ज्ञान और स्मरण शक्ति प्रदान करें। इस मंत्र का उच्चारण करके दातुन से दांत साफ करना चाहिए। प्रतिपदा अमावस्या, नवमी, षष्ठी, रविवार तथा चंद्रमा और सूर्य के ग्रहण के दिन दातुन नहीं करना चाहिए। व्रत और श्राद्ध के दिन भी लकड़ी की दातुन करना मना है। उन दिनों जल के 12 कुल्ले करके मुख शुद्ध करने का विधान है। कांटेदार वृक्ष कपास, सिद्धुवार, ब्रह्मवृक्ष, पलाश, बरगद, एरेंट और दुर्गंधयुक्त वृक्षों की लकड़ी को दातुन के काम में नहीं लेना चाहिए। फिर स्नान करने के पश्चात भक्तिपरायण एवं प्रश्नचित्त होकर चंदन, फूल और तांबुल आदि पूजा की सामग्री ले भगवान विष्णु अथवा शिव के मंदिर में जाएं। वहां भगवान को पृथक पृथक पाद्य अर्घ्य आदि उपचार अर्पण करके स्तुति करें तथा पुनः नमस्कार करके गीत आदि मांगलिक उत्सव का प्रबंध करें। ताल, वेणु और मृदंग आदि बाजों का साथ भगवान के सामने नृत्य और गान करने वाले लोगों को भी तांबुल आदि के द्वारा सत्कार करें। जो भगवान के मंदिर में गान करते हैं, वे साक्षात विष्णु रूप हैं। कलयुग में किए हुए यज्ञ, दान और तप भक्ति से युक्त होने पर भी जगत गुरु भगवान को संतोष देने वाले होते हैं। राजन, एक बार मैंने भगवान से पूछा, देवेश्वर आप कहाँ निवास करते हैं? तो वे मेरी भक्ति से संतुष्ट होकर बोले, नारद ना तो मैं वैकुंठ में निवास करता हूँ और ना योगियों के हृदय में। मेरे भक्त जहाँ मेरा गुणगान करते हैं वहीं मैं भी रहता हूँ। शिरीष, उन्मत्त, गिरिजा, मल्लिका, सेमल, मदार और कनेर के फूलों से तथा अक्षतों के द्वारा श्री हरि विष्णु की पूजा नहीं करनी चाहिए। जवा, कुंद, सिरस, जूही, मालती और केवड़े के फूलों से शिव शंकर जी की पूजन नहीं करना चाहिए। लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा रखने वाले पुरुष तुलसी दल से गणेश का, ध्रुवा दल से दुर्गा का तथा अगस्त्य के फूलों से सूर्य देव का पूजन ना करें। इस प्रकार पूजा विधि पूर्वक करके देव देव भगवान से क्षमा प्रार्थना करें। मंत्रहीनम, क्रियाहीनम, भक्तिहीनम सुरेश्वरम यत पूजितम मया देव परिपूर्णम तदस्तु मे।
देवेश्वर देव, मेरे द्वारा किए गए आपके पूजन में जो मंत्र विधि तथा भक्ति की न्यूनता हुई है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो जाए। तदंतर पद दक्षिणा करके दंडवत प्रणाम करें तथा पुनः भगवान से त्रुटियों के लिए क्षमा याचना करते हुए गायन आदि समाप्त करें। जो इस कार्तिक की रात्रि में भगवान श्री हरि विष्णु अथवा शिव की भली भांति पूजा करते हैं वह मनुष्य पापहीन हो अपने पूर्वजों के साथ श्री हरि विष्णु के धाम में जाते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु की जय हो।